Don't worry, Dr. Trehan. आधा रात तक रिपोर्ट मिल जाएगी. ओके. सारे असिस्टेंट कहाँ हैं? इतना काम पेंडिंग पड़ा है, कैसे कंप्लीट होगा? डॉक्टर त्रेहन कई बार फोन कर चुके हैं. डैड, हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं. आज रात तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. प्रीति कहाँ है? उसको तो यहाँ होना चाहिए था. उसको बुलाओ, काम कंप्लीट करो. पर डैड, प्रीति के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं. अरे जब काम करेगी तभी तो एक्सपीरियंस होगा. उसे बुलाओ, तुरंत फोन करो. अरे क्या बात है, लगता है मन नहीं लग रहा हमारे बगैर. अरे प्रीति, जल्दी से लैब आ जाओ, एक रिपोर्ट है जो रात तक भेजनी है. तुम्हारी हेल्प चाहिए यार. नहीं नहीं, हम कैसे, अभी तो खाना भी बनाना है, मेड भी नहीं आई है. खाना बाहर से आ जाएगा यार, प्लीज. और आज हमें हमारी टैलेंटेड और स्मार्ट बीवी की जरूरत है. अरे प्रीति बेटा, तुम आ गई, मेरा टेंशन खत्म हो गया. ये लैब तुम्हारी है, अब तुम्हें ही संभालना है इसे बेटा. अपने टैलेंट से तुम्हें इसे और सक्सेसफुल बनाना है. सागर बेटा जी, हमें कुछ काम है, आओ. हाँ, वो डॉक्टर त्रेहान की रिपोर्ट जरूर बना लेना, आज रात तक उनको रिपोर्ट देनी है. और सुनो, रिपोर्ट्स में डीडीमर, सीआरपी, फास्टिंग एंड पीपी जरूर मेंशन कर देना, ठीक है? हेलो, तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया. अच्छा, कुछ देर के लिए आ सकते हो? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है. अरे तुमने अभी तक रिपोर्ट बनाना शुरू भी नहीं किया, तब सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर दीक्षित, कैसे हैं आप? अजी सर, कल मेरे डायबिटीज की रिपोर्ट आई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. समझ में नहीं आता कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है. यहाँ बैठकर ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जाइए एक दो राउंड जॉगिंग कीजिए, सब ठीक हो जाएगा. आकिब, अरे वो रफीक आएगी नहीं साइन करने, आज पैरोल का पहला दिन है उसका. प्रोफेसर दीक्षित, हेलो एम्बुलेंस, जल्दी साथी पार्क पहुंचो, दिल का दौरा पड़ा है. देखो रफीक, कुछ गड़बड़ नहीं करना, मेरी नजर 24 घंटे तुम पे रहेगी. सर निकाह है हमारा, अब कहाँ जाएंगे? क्या बात है, तुमको भी लड़की मिल गई? अमीनाबाद में रहती है. कौन है वो बदनसीब? सलमान नाम है उसका. अमीनाबाद में रहती है. लेकिन एक बात याद रखना, ये साइन करने रोज आना पड़ेगा, किसी को भेजना ना पड़े तुम बुलाने के लिए. जी सर. सलाम. हाँ डॉक्टर त्रेहान, हमारे यहाँ की रिपोर्ट तो सारी एक्यूरेट होती है. हाँ, ब्लड सैंपल है, रीचेक करते हैं. क्या हुआ डैड? प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट गलत गई है. पर वो रिपोर्ट तो प्रीति ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? एक मिनट. इसमें तो शुगर हाई है और इसमें तो नॉर्मल है शुगर, और
प्रीति की रिपोर्ट में तो हाई है, इसका मतलब प्रीति की रिपोर्ट गलत थी। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से प्रोफेसर दीक्षित क्रिटिकल हालत में है। कॉलेज के टॉपर इस तरह की गलती करे, कितने शर्म की बात है। मुझे तो इसकी पढ़ाई पे भी डाउट है, ये क्वालिफाइड है भी या नहीं। नहीं डैड, कल उस पर बहुत प्रेशर था, शायद इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, अगर आपको प्रीति के क्वालिफिकेशन पे डाउट है तो कल उसको फिर एक बार रिपोर्ट बनाने को बोलते हैं। आपको क्यों लग रहा रफीक शादी के बारे में झूठ बोल रहा होगा? चलिए देखते हैं। अरे रफीक जैसे गुंडे मवाली के साथ कौन करेगा अपनी बेटी का निकाह? भाई हमने अपनी सलमा का निकाह पिछले साल फहीम रिजवी जी के साथ कर दिया और वो मुरादाबाद में है। बताइए, पुलिस वालों से इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल गया? बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए निकला है ये बाहर 7 दिन के पेरोल पे। ठीक कह रहे हैं सर। आखिर ये रफीक करने क्या वाला है? हाय प्रीति, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? मतलब इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ है सप्लाई? एक हफ्ते पहले तूने बोला था सप्लाई पक्का जाएगी। अगर शाम तक सप्लाई नहीं हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगा कि तू स्कूटर चलाने लायक नहीं बचेगा। भाई भाई कल तक पक्का सप्लाई दे दूंगा मैं, ठीक है? मुझ पे भरोसा करो यार। अगर सप्लाई नहीं आई ना तो हमारे पूरे पैसे वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है भाई। सुनिए, आज दीदी के यहाँ जाना है, याद है ना आपको? आप कितने महीने से बहाना बना रहे हैं, आज कोई बहाना चलेगा नहीं। अरे 9 से 5 की नौकरी थोड़े है हमारी, तुम समझा करो। कौन सा रोज रोज हम आपको चलने के लिए बोलते हैं, आज ही बोल रहे हैं ना। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? हाँ ठीक है। अवस्थी, हम निकल रहे हैं, तुमको पिक कर लेंगे रास्ते में, जरूरी उधर लैब पे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ये पूनम अवस्थी से बात करने के लिए आपके पास टाइम है, उससे मिलने के लिए आपके पास टाइम है, और हमारे दीदी के घर जाने का टाइम आपके पास नहीं है। ये सब चलेगा नहीं, आप समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? अरे मर गया है कोई तो चाहो। हर रोज कोई ना कोई मरता है। जहर मिला दो इसमें, हम भी मर जाते हैं। WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है? बिटवीन 70 mg 200 mg। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या कहते हैं? क्रिस्टल बॉयलेट। बस डैड, कल रात उससे एक मिस्टेक हो गई, भूल जाइए ना। ये मिस्टेक नहीं, क्राइम है, इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। आपके लैब की रिपोर्ट की वजह से प्रोफेसर दीक्षित की जान गई, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? कौन बनाया था रिपोर्ट? शंकर ने, यहाँ वो लैब असिस्टेंट है। लेकिन आज तो वो छुट्टी पर है। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। हमें प्रोफेसर दीक्षित के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे, दूसरे लैब में भिजवाने हैं कंपैरिजन के लिए। हमारी लैब बहुत पुरानी और फेमस है सर, मेरी बहू और बेटे ने डिस्टिंक्शन से डिग्री ली है। ये गलती कैसे हो गई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आप ठीक है? मेरी वाइफ है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। प्रीति तुम घर जाओ। फिर भी हमें रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करवानी होगी, और ये शंकर का एड्रेस आप मैडम को नोट करवा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन क्यों, मैंने किया क्या है? वो जो कल रिपोर्ट बनाई थी ना, उसकी वजह से किसी की जान चली गई और सागर ने सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया है। पैसा डबल मिला है, जल्दी से सप्लाई का इंतजाम करवाओ, और हाँ अगर नहीं होता है तो वो भी हमको बताओ। करते हैं कुछ। सर रफीक ने झूठ बोल के पेरोल लिया है सर, हमें जेलर को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, बस रफीक पर नजर रखो। आखिर ये रफीक करना क्या चाह रहा है, आज साइन करने आया था?
नहीं सर, पहले दिन आया था, उसके बाद गायब है। जैन सर, ये दूसरे लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। त्रिलोक के लैब से जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें हाई शुगर था। इतना मेजर डिफरेंस, इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर ने प्रोफेसर दीक्षित को हाई डोज दी होगी, इसीलिए प्रोफेसर दीक्षित चल बसे। शंकर को उठाओ, अब वही बताएगा उसने ऐसा क्यों किया। हमें आपके लैब को सील करना होगा और जब तक सर सामने नहीं आता आपका लाइसेंस भी कैंसिल रहेगा। सर आप हमारा लाइसेंस कैसे कैंसिल करा सकते हैं? जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। ये तो आपको स्टाफ रखने से पहले सोचना चाहिए था, जो ढंग से रिपोर्ट भी नहीं बना सकते। और वो शंकर हमारे पहुंचने से पहले ही भाग चुका था। इस लैब में कोई तो है जो उससे मिला हुआ है, उसका कोई और एड्रेस है आपके पास? नहीं। अवस्थी सर, मुझे तो तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे टैलेंट पर शक होने लगा है। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। हमारा नाम गीता, प्रीति के बारे में कुछ बताना था। कल रात करीबन 9:30 बजे वो परेशान थी, बोली कि अब उससे ये सब झेला नहीं जाता। सर उसके ससुर और उसका पति सागर उस पर किसी बात का बहुत बड़ा दबाव डाल रहे थे। हम समझे नहीं, किस तरह का दबाव, थोड़ा साफ साफ बताइए। नहीं सर, बस वो यही बोली कि अब वो झेल नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती है, अपना नंबर यहाँ नोट करवा दीजिएगा, हमें जरूरत होगी तो आपको बुलवाएंगे। ठीक है। सर किस बात का दबाव डाल रहे होंगे वो प्रीति पर? सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार उस पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया। सर लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो ड्राउनिंग है, इसका मतलब प्रीति ने सुसाइड ही किया होगा। हाँ, पर सवाल उठता है कि क्यों? ऐसा कौन सा प्रेशर था उस पे? हो सकता है कि जब उस पर नुकीले हथियार से वार हुआ हो, उसकी चोट खाने के बाद वो बेहोश हो गई हो और फिर किसी ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया हो। ये सब पता करना पड़ेगा अवस्थी। सर हम दोनों अपनी शादी में खुश थे, डैड और मैं उस पर क्यों किसी बात का प्रेशर डालेंगे? अपनी पसंद का काम कर रही थी वो, उसके जैसी क्वालिफाइड कामयाब औरत। क्या आपके बीच में कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा हुआ था? प्रीति की बॉडी पर कई निशान मिले, आपको शक है किसी पे? सर मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। लेकिन डॉक्टर त्रेहन के इंसिडेंट के बाद वो काफी डिप्रेशन में थी। मेरा मन इस बात को नहीं मानता, कुछ और बात जरूर है। मैडम एक मिनट, आप प्रीति और उसकी फैमिली को जानते हैं ना? क्या आपने इनके घर पिछले 2 दिनों में कुछ अलग नोटिस किया या फिर प्रीति से कोई बात हुई आपकी? हाँ मैम, परसों मैं प्रीति के पास गई थी किसी काम के लिए, तो उसके जब घर के पास पहुंची तो उनके घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर सागर और प्रीति के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, जाहिर है कि प्रीति इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सर हमें लगता है हमें प्रीति के पापा से मिलना चाहिए। हमारी बेटी सागर के साथ बहुत खुश थी, हमें तो लड़का और परिवार वाले पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। बहुत ही संस्कारी है आपकी बच्ची। हमारे साहबजादे इतने संस्कारी नहीं, बस पढ़ाई और लैब में लगे रहते हैं। हमारी बेटी कॉलेज टॉपर है। मैं तो कहता हूँ इसकी और सागर की खूब जमेगी। तुम कॉलेज टॉपर हो, तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम सागर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप चाहें तो अभी हमारा टेस्ट ले लें। अच्छा बेटा बताओ,
What are three types of semen examination? Blood smear examination, blood smear scan and blood smear review. आपके मुताबिक आपकी बेटी उस घर में बहुत खुश थी, तो फिर त्रिलोक और सागर उस पर किस तरह का दबाव डाल रहे थे? कभी वो इस बारे में बताई आपको? कभी प्रीति ने आपको ये बताया कि सागर उस पे हाथ उठाता था? हाथ उठाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं बताया। कभी शादी में किसी लेनदेन की वजह से कोई बहस? उन्होंने तो हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी जिद थी ना कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, जबकि वो डांसर बनना चाहती थी। क्या हुआ उसे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं था, बन तो गई थी ना वो डॉक्टर, और उसकी इज्जतदार और अच्छे घर में शादी भी हो गई। हर लड़की का माँ बाप यही तो चाहते हैं। मेरी बेटी के साथ जिसने भी कुछ गलत किया है उसको छोड़िएगा नहीं। बेटी पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा था, कौन उसे मारना चाहता था और क्यों, सिर्फ एक गलत रिपोर्ट के लिए? सर लेकिन शंकर का एंगल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सागर ने हमें बताया था कि रिपोर्ट्स तो शंकर ने बनाई। शंकर ने? यहाँ वो लैब असिस्टेंट है। बदला भी हो सकता है। फिर सागर, जैसे कि उनके पड़ोसी ने हमें बताया था कि एक दिन पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कोई तीसरा भी हो सकता है बस्ती, जिसने मौके का फायदा उठाया हो। इस सागर पर नजर रखनी पड़ेगी, कहा जाता है किससे मिलता है यही से सारे राज खुलेंगे। बहुत बढ़िया बनाया है सर। मुड़िएगा नहीं सर, गाड़ी के पास रफीक खड़ा है। निकल गया हाथ से सर। रफीक का गाड़ी तो यही है। काम कीजिए जी, गाड़ी को थाने लेके चलिए और इसे अच्छे से चेक करने के लिए भी बोलिएगा। सर गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है सर, यहां तक कि डैशबोर्ड में पेपर भी नहीं है इसका। सर राय महेंद्र। क्या हुआ सर, आप हमारी गाड़ी लेकर क्यों आए? ये आपकी कार है, कार के पेपर्स हैं, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। सर ये मेरी कार पार्किंग जोन में खड़ी थी, यहाँ आने का कारण मैं जान सकता हूँ? इस आदमी को जानते हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम लेके गया था चेकअप के लिए, और वहाँ गाड़ी नहीं होने के कारण काफी देर उनको धूप में खड़ा रहना पड़ा, तो मैं अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ? देखिए हमें आप पे बिल्कुल शक नहीं है, पर जो आदमी आपकी गाड़ी के साथ खड़ा था उस पे शक है। आप प्लीज कल आकर अपनी गाड़ी ले जाइएगा। आकिब फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। पुलिस साहब सर, आप आरटीओ जाकर इस गाड़ी के कागजात डबल चेक कीजिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना सप्लाई पहुंच जाएगी तुम्हें। पैसा लिया हम लोगों ने, ठीक है, और कल तक हर हालत में सप्लाई चाहिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हमको। अरे समझना यार, इस वक्त मैं कुछ करने की कंडीशन में नहीं हूँ। जिसके पैसे लिए लौटा दे अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस बार थोड़ा बढ़ के लिया था पैसा और उसमें थोड़ा खर्च भी कर दिया है। अगर उसे पता लग गया ना कि हमने पैसे बढ़ा के लिए तो हम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहाँ साथी है सप्लाई यार? दो नंबर, मैं बात करता हूँ उससे। दो, मेरा उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर 12 घंटे में सप्लाई नहीं पहुंची ना तो सब कुछ जाके पुलिस को सच बता दूंगा। सर फॉरेंसिक टीम को कार में कुछ नहीं मिला। सर रफीक को मैंने गाड़ी के पास देखा था, इसलिए मुझे शक हुआ था तो मैंने उसे उठाया था। मुझे लगता है सर महेंद्र और रफीक का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। सर सर हमने पता किया, गाड़ी के पेपर वगैरह सब पक्के हैं और गाड़ी महेंद्र के नाम पर ही है।
झाड़ देना जरा। प्रमोद कहाँ है? वो बंटी के यहाँ गया है उसकी बाइक बनाने। बाइक के बारे में पता भी है उसे कुछ? आजकल पापड़ को मशीनों में बड़ी दिलचस्पी हो रखी है। वो तो कुछ मैगजीन्स वगैरह भी लाया है मशीनों वाली। लो आ गए भैया। वैसे बाइक ठीक हुई कि अब चलने लायक भी नहीं रही? ऐसी मक्खन जैसी चल रही है ना, कल जब बंटी चलाएगा तो खुद देख लेना। आजकल मैकेनिक बनने का शौक चल रहा है तुम्हें? वो क्या है ना पापा, जो काम बड़े बड़े मैकेनिक और एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते वो हम कर देते हैं, और पापा इसी को टैलेंट कहते हैं। जो काम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए वो क्या पता एक मैकेनिक कर दे। गफार भाई हम बोल रहे हैं, कोतवाली पहुंचेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ गुड्डू जी, इस तरह से खाना नहीं छोड़ के जाते हैं। सर गफार जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज कैसे याद कर लिया आपने? गाड़ी देख रहे हैं? जी सर। इसको हमारे एक्सपर्ट्स ने चेक किया लेकिन वो कुछ नहीं खोज पाए। फिर कागज भी हमने चेक किए वो भी बिल्कुल सही निकले, पर हमें न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। आप अगर एक बार देख दे तो हमारी तसल्ली होगी। दो दो चेचेस नंबर है इसका, इसका मतलब साफ है कि ये गाड़ी चोरी की है। हम कह रहे थे ना तुमसे। सर महेंद्र को फोन करते हैं। फोन नहीं लग रहा है सर। उसकी स्टेशनरी की दुकान पे जाके चेक कीजिएगा। सर शुक्रिया गफार मियां। सर महेंद्र आपसे मिलने आया है। सर अब तो मेरी गाड़ी दे दीजिए, मुझे इमरजेंसी काम के लिए आना जाना पड़ता है। और सर आपने अपनी टीम भेज दी हमारी दुकान पर, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप मुझसे पूछे ना सर। बस बहुत हुआ झूठ। मतलब हमें पता है कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते। इसमें झूठ क्या बोला सर, वो नहीं रहते हैं मेरे साथ। अभी कुछ दिन पहले आए हैं तो उनको दिखाने के लिए लेके गया था हॉस्पिटल। आपकी गाड़ी, उसके दो दो चेसिस नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चेसिस नंबर एमपी के किसी आदमी की गाड़ी से मैच होता है। और आपने ये क्यों नहीं बताया कि गाड़ी चोरी की थी? वो गाड़ी मैंने एमपी के एक डीलर से खरीदी थी सर, वो भी सेकंड हैंड में। अब वो चोरी की है या किस बात की है मुझे नहीं पता। सर प्लीज़ आप मेरी गाड़ी मुझे दे दीजिए, उसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछ सकते हैं। गाड़ी इनको दे दीजिए। सर गोलमोल है आदमी, हर सवाल का एकदम सटीक जवाब दे रहा है जैसे बहुत तैयारी करके आया हो। आके सर इस पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ। सर सर आपका शक बिल्कुल सही है सर, कुछ तो बड़ा गेम खेल रही है। अवस्थी। यस सर। आकिब के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, फटाफट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ओके सर। बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ? महेंद्र यहाँ क्यों आता है? पति हैं हमारे तो। स्टेशनरी छोड़ के और कौन सा बिजनेस है उसका? मैम काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं, यहाँ बस एक दो दिन के लिए ही होते हैं। कुछ और अपने बिजनेस के बारे में बताया उसने? हमें बस इतना पता है मैम कि हमारे पति बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं बस। सर तीनों बीवियों ने सेम बात कही,
कि वो अच्छा इंसान है, लखनऊ से 2-3 दिन के लिए बाहर रहता है काम के लिए। और इतने अच्छे इंसान वो तभी हो सकते हैं जब वो तीनों को बाकी दो के बारे में मालूम ना पड़ने दे। ये कैसा खेल खेल रहा है महेंद्र? सर ये शंकर है जो त्रिलोक जी की लैब में काम करता है। प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट इसी ने बनाई थी। हमने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी सर। अगर तुमने नहीं बनाई तो भागे क्यों थे? सर ये रिपोर्ट प्रीति मैम ने ही बनाई है। उन्होंने हमको फोन करके बोला कि भाग जाओ। तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। उन्होंने आप लोग को बोला था कि रिपोर्ट हमने बनाई है। जब आप लोगों को जानकारी थी कि ये रिपोर्ट शंकर ने नहीं प्रीति ने बनाई है तो फिर आप लोगों ने पुलिस से झूठ क्यों बोला? सच सच बताइए यहां क्या चल रहा है? प्रीति तो इतनी क्वालिफाइड थी, अपनी क्लास की टॉपर थी, रिपोर्ट बनाने में वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। हमने सारे सवाल पूछे थे, जब उसको देखने गए थे उसको सारे जवाब मुंह जवानी याद थे। सर वो प्रीति मैडम जब भी रिपोर्ट बनाती थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, ऐसा लगता ही नहीं था जैसे उनको कुछ आता है। हमेशा रिपोर्ट बनाते समय मैं उनके साथ रहता था, तो उस रात भी प्रीति मैडम ने मुझे फ़ोन करके लैब में बुलाया। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। अच्छा कुछ देर के लिए आ सकते हो? नहीं मैम बहुत ज़रूरी काम है तो आज तो नहीं आ पाऊँगा। सिर्फ प्रीति कभी भी पैथोलॉजी की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। हो सकता है उसकी एजुकेशन के बारे में उसकी फैमिली ने झूठ बोला हो, तभी उसने सारे जवाब रट लिए होंगे, इसीलिए उसे याद रहते थे। प्रैक्टिकल के वक्त वो नर्वस हो जाती थी। सर ये रहे प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स। एक ही नंबर पे बार बार फोन किया है लेकिन नंबर सेव नहीं। आगे इस नंबर का पता करो। सर चलिए अवस्थी। सर आपने सोचा भी कैसे कि मैं प्रीति को पैसे देकर के पास करवाऊंगा? उसके जो भी मार्क्स आए थे वो उसकी मेहनत के दम पे आए थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि प्रीति इस तरह की गलत रिपोर्ट बना ही नहीं सकती। बोलो आखिर। सर वो नंबर किसी नीरज नाम के लड़के का है। सर वो नंबर बंद आ रहा है। आप किसी नीरज नाम के लड़के को जानते हैं? प्रीति का कोई फ्रेंड वगैरह? जी नहीं। किस चीज का पेपर चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ? मैथ मिल जाए, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर किए देते हैं, कोई बारगेनिंग नहीं चलेगा। मैथ्स का 40,000, फिजिक्स का 35 और केमिस्ट्री का 30। रोड में एक एक्सीडेंट केस हुआ है। अभी अभी एक हिट एंड रन केस की खबर सामने आई है, जहां एक शराब में धुत आदमी को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपके पति और नीरज, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नीरज का हमारे घर में काफी आना जाना था। नीरज प्रीति को पसंद करता था लेकिन प्रीति नीरज को नहीं पसंद करती थी। इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं जाती थी नीरज वो सुभाष दोनों चुप हो जाते थे। आगे नीरज के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पिछले 3-4 दिनों में उसने किस किस को कांटेक्ट किया उसकी जानकारी दो हमें तुरंत। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरज और प्रीति का मर्डरर एक ही हो? मनीष है घर में? सर वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? क्या हुआ सर? मनीष से कोई मिलने आया था, कोई दोस्त वगैरह? माँ वो बेटा
अनीश हो गया मैराथन हाँ हाँ चलो उरी साहब ले चलिए इनको प्रसाद खिलाइए चलो सर मैं और नीरज एक बंदे से एग्जाम्स के पेपर खरीदते थे और सर कॉलेज के बच्चों को बस दाम बढ़ा के बेच दिया करते थे और कुछ नहीं सर पेपर्स किससे खरीदते थे तुम सर किसी रफीक नाम के बंदे से हमारी बात होती थी ये रफीक कभी देखा नहीं है बस अक्सर हमारी फोन पे ही बात हुआ करती थी अगर रफीक इस रैकेट का हिस्सा है तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक हमें वही पहुंचा सकता है नीरज के मर्डर में तुम्हारी क्या इन्वॉल्वमेंट थी सर मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें मैंने बस एक रात पहले रफीक को नीरज बन के फोन किया था और कहा था कि अगर एग्जाम्स के पेपर टाइम पर नहीं पहुंचे तो सब कुछ पुलिस को बता दूंगा मैं बस और कुछ नहीं समझ रही हूँ सुभाष ने नीरज से यही पेपर्स खरीदे होंगे जिनका रट्टा प्रीति ने मारा होगा और इम्तिहान दिया होगा इसीलिए वो लैब में नर्वस हो जाती थी और यही वो प्रेशर था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी ये है प्रीति देखा नहीं है सर इसे मैं तो बस पेपर खरीद के पैथोलॉजिस्ट के लिए इसको दे देता था बस आप कुछ भी करके इस रफीक को ढूंढ करना सर अवस्थी मेरे साथ आओ जी सर प्रीति की पीएम रिपोर्ट सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रीति ने सुसाइड की है लखनऊ जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बेस्ट इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर था आज उसका नाम एग्जाम पेपर स्कैम में गिना जा रहा है शिक्षा संस्था को चलाने वालों ने ही चंद पैसे के लालच में ना जाने कितने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया कहां का रुख है सुभाष जी अपनी बेटी को टॉप रैंकर बनाने में आपका कितना बड़ा हाथ है उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है बिटवीन 70 mg 200 mg नॉर्मल डी डाइमर रेंज क्या है 220 टू 500 हाँ मैंने फोर्स करके उसका एडमिशन पैथोलॉजी में दिलवाया ताकि उसकी शादी अच्छे और अमीर घर में हो सके क्या गलती थी मेरी अपनी बेटी का फ्यूचर सोचना क्या गलत बात है नहीं लेकिन फ्रॉड करके उसे पास कराना गलत बात है उस पर दबाव डालना गलत बात है क्या हासिल हुआ आपको नहीं झेल पाई ना ये प्रेशर आपकी बेटी चलिए बोलो आके सर रफीक मिल गया सर बहुत उछल रहे हो साइन करने नहीं आओगे हाँ सच सच बोलो किसके लिए काम करते हो एग्जाम पेपर स्कैम कौन चलाता है सर मैंने कुछ नहीं किया सर ना ही मैंने नीरज को मारा है मुझे कुछ नहीं पता सर हम जानते थे ना आसानी से नहीं बताओ आगे उनके वाले साहब रहमान को फोन करो जरा सर आप पूजन को मत बुलाइए सर उनको फोन मत करिए सर 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 अब्बू को मत कुछ करिए सर सर अब्बू को छोड़ दीजिए सर आखिर ऐसे बर्ताव के लिए माफी चाचा क्या है ना आपका जो साहिबजादा है ना रफीक वो बहुत मोटी खाल का है इसलिए हमें आपका इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्या है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा आवाज निकालिएगा जैसे आपको पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं उसके बाद वो सच बोलेगा देखिएगा आखिर लेटा जरा उस टाइम को बहुत बड़ा बदमाश समझता है अपने आप को तुम्हारा बेटा है बता रहा हूँ छोड़ दीजिए अब्बू को
सिर्फ सच। मैम, काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं, यहाँ बस एक दो दिन के लिए ही होते हैं। हेलो सर, वो अभी अभी रिक्शा में बैठ के घर से निकली है। जी सर। चलो तो बड़ी कमाल लग रही हो। लगता है क्लाइंट अपना सब कुछ लुटा के जाएगा तुम पर। ये यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। ऊपर चलिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। सीमा कौन से कमरे में रुकी है? कौन सी मैम? जल्दी बोलेगा। रूम नंबर 130। उसकी मास्टर की दे। मिस्टर वर्मा, आप ये हो क्या रहा है यहाँ? माफ करना। मैडम, कैमरा है। तो ऐसे वीडियोस बनाकर आप इनको ब्लैकमेल करती हो? ले चलो इन्हें। चलिए चलिए। रेडी है क्या? हुआ, इतना घबराया क्यों? तो आप हैं इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड? सर, मैंने किया क्या? आगे बताइए गाड़ी में। आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। ड्रामा बंद कीजिए मैडम। आपके और आपके मुंह बोधे पति की सारी हरकतों का पर्दाफाश हो चुका है। मेघा जी, आप भी एग्जाम पेपर्स के लिए प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को ब्लैकमेल करने की साजिश में शामिल थी ना? इन सारे कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो वंदना, डरो मत, जो भी पता है सब सच बता दो। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। ये आदमी इतनी जल्दी बाहर आने वाला नहीं है। मुझे ये आदमी किडनैप करके लाया था। मैं एमपी से हूँ। ये महेंद्र मुझसे और मेरे मम्मी पापा से झूठ बोल के कि मुझे लखनऊ में अच्छी नौकरी दिलवाएगा, और जब मैं लखनऊ आई तो इसने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और मेरे मम्मी पापा से भी बात करने नहीं देता था। ये सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। ये मुझे फंसाना चाहती है। हमारे इसके साथ कोई सखलत बर्ताव नहीं किया सर। चुप! एक भी शब्द मुंह से निकालो ना तो यही खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। बोलिए। एक साल तक इसने हर महीने मेरे मम्मी पापा को पैसे भेजे और मेरे साथ यहाँ जबरदस्ती करता था। सीमा और मेघा की तरफ मुझे भी प्रिंसिपल के पास या रजिस्ट्रार के पास भेजता था ताकि उन लोगों के साथ मेरी वीडियो बना के ब्लैकमेल करके एग्जाम पेपर निकलवा सके। सर, सर, ये बिल्कुल नाटक नाटक। तुम्हारी इन काली करतूतों की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इसका अंदाजा है तुम्हें? लड़कियों को कैसे कैसे घिनौने काम करने पड़े जो शायद कोई लड़की नहीं करना चाहेगी। लीक पेपर्स की वजह से बच्चों को ग्रेड्स तो मिल जाते हैं लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप भी अजीब है, अपने बच्चों पर अपनी रुचियां थोपते हुए ये नहीं सोचते कि उनके अपने बच्चों की क्या रुचि है, जबरदस्ती उन्हें ऐसा करियर चुनने पर मजबूर करते हैं जिसे करने की उनके बच्चों की कोई इच्छा नहीं होती।
और तुम जैसे लोगों की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। और प्रीति की तरह हर साल हजारों लाखों बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और क्या हाथ लगता है माँ बाप के, सिर्फ तस्वीर में लगी हुई बच्चों की यादें हैं, घर में क्या रह जाता है, एक खामोशी। उस बच्चे का खाली कमरा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब होता है तुम जैसे मर्दूतों की वजह से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.